शिव और पार्वती के शुभ विवाह का महापर्व शिवरात्रि शनिवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। ना कोई पाबंदी है और ना ही कोई रोक, लिहाजा शिव भक्त इसकी तैयारी में शुक्रवार से ही जुट गए हैं। गिरिडीह में भी शिवालयों को सजाया जा रहा है, फूल माला से शिवलिंग सजाया जा रहा है, लाइट लगाए जा रहे हैं, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं जिससे कि बारातियों का स्वागत किया जा सके। शनिवार को मनाए जाने वाले शिव शक्ति के मिलन के पर्व के दौरान सुबह में जहां भक्तों की भीड़ शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटेगी, वहीं देर शाम शिव बारात निकाली जाएगी। इस दौरान भगवान शिव के साथ माता पार्वती समेत अलग अलग देवी देवताओं की झांकी और भूत प्रेत भी शामिल होंगे। ऐसे में बाजार सजे हुए हैं, फलों की बिक्री भी जमकर हो रही है, तो पूजा अर्चना में अर्पित होने वाले सामानों की खरीदारी में भक्तों की भीड़ बाजार में नजर आ रही है। गिरिडीह शहर से लेकर गांव तक शिव मंदिर सजाए जा रहे हैं। इस दौरान शीतलपुर शिव मंदिर कमेटी के सदस्य और पूर्व मेयर सुनील पासवान और अन्य सदस्यों ने न्यूज विंग से बातचीत में कहा कि इस बार भी शीतलपुर शिव मंदिर की सजावट बेहद खास की गई है। जबकि शिव बारात में शिव पार्वती के साथ भूत प्रेत की झांकी तो होगी ही, साथ ही कई और देवी देवता की झांकी भी शामिल होगी। शहर के न्यू पुलिस लाइन और पुरानी पुलिस लाइन में होने वाले शिवरात्रि के आयोजन को लेकर तैयारी जोर शोर से जारी है। पुलिस मेंस एसोसिएशन के अधिकारी की देखरेख में शिवलिंग को सजाया जा रहा है। और मैं इस वक्त खुद हूँ शीतलपुर सदर प्रखंड के गिरिडीह के सदर प्रखंड के शीतलपुर शिव शक्ति मंदिर के पास। हमारे साथ गिरिडीह के पूर्व मेयर और शिव शक्ति मंदिर के सदस्य सुनील पासवान जी हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार क्या खास तैयारी है पूरे शिव बारात को लेकर। धन्यवाद पिंटू जी। सबसे पहले मैं अपने सभी गिरिडीह शहर वासियों के शिव भक्तों को बाबा भोले की शिवरात्रि की पूर्व अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हमारा ये शीतलपुर शिव शक्ति धाम पूरे तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ के जो युवा मंडली हैं, शिव शक्ति धाम का जो युवा मंडली है, जैसे कि किसे बंटी हो गए, रंजीत हो गए, शिबू हो गए और बबलू जी हो गए, सभी लोग मिल करके पिछले एक सप्ताह से अधिक 15 दिनों से लगे हुए हैं शिव बारात निकालने की तैयारी में। जैसा कि आज पूर्व संध्या पर हम लोग प्रत्येक साल की भांति इस साल भी भजन संध्या का आयोजन करते हैं और उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। उसके पश्चात होता है कि पूरे इस इलाके में शीतलपुर से जो हमारा एक मनोरम झांकी निकलता है हर साल की भांति इस वर्ष भी, जो कि हम लोग का इस बार खास रहेगा कि गरुड़ पे बैठे हुए भगवान विष्णु और कैलाश पर्वत पर सुशोभित होंगे हमारे शिव और पार्वती जी का झांकी होगा। उनके साथ पैदल रास्तों में चलते हुए माने उनके जितने हैं अंग जो हैं भूत पिशाच और जितने भी हैं नंदी महाराज हैं, सारे लोग उस बारात में सम्मिलित होंगे। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।